आज दोबारा मूवी देखने जा रहे हैं। कैब, ये है हमारी कैब वाले भैया। बहुत ही ज्यादा वाली गर्मी हो रही है, बट इमेजिन करने में कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं। लाइटिंग अच्छी आ रही है बस, है ना। कमेंट में ये जा गई है, आपकी बहुत बुआ रहती है। हाय गाइस, इट इज 10:40 PM and we have just had our dinner and mayor Avi bhaiya aaj dobara movie dekhne ja rahe hain. This is the second consecutive day we are going to watch a movie. Hum kal bhi gaye the, kal ekdum sudden plan bana tha hamara. Hum munjia dekh kar aaye the, online reviews dekhe the, kafi acche the. Movie mein itna maza nahi aaya, it was okayish. And fir aaj hamara plan bana ki aaj hum dekhne chalte dusri kaun si hai, Chandu Champion. Yeah, to aaj hum wo dekhne ja rahe hain. This bua ke ghar se that theater is like way near. तो हमने बस डिनर करा एंड हमने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलो चलो ठीक है, तो बन गया प्लान और आ गए हम आज दोबारा मूवी देखने। कैसी लगी आपको मूवी? मजा आ गया है। This was much better than जो हमने कल देखी ना मुंजिया से, तो much better। Hi guys, good morning. It is morning time. हम जा रहे हैं इंस्टीट्यूट of course, and हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। We had apples for breakfast. We had a very healthy breakfast. फूफा जी ने पूरा प्रिपेयर करके दिया था। We had dry fruits. We had apples. And now we are having milk. मैं दूध नहीं पीती हूँ वैसे, मैं सालों से निकली आई हेट मिनट पर। फूफा जी ने कहा कि सुबह सुबह कुछ खाते जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक ग्लास फुल गर्म दूध पिया। मैंने इतने सालों बाद दूध पिया ना, इट्स नॉट बैड, बट मैं पीती नहीं। मेरी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं मिल्क प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ। अभी इसमें मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स वो जो होते हैं म्यूसली वो डाली थी, एंड यू आर हैविंग दिस नाउ। I'm done with all my classes for the day. मैं अभी हूँ वैशाली में, यहाँ से I'll book a cab because it's really hot and we'll go home. Guys, तो हमें मिल चुकी है cab. ये है हमारे cab वाले भैया। Hello कर दीजिए भैया। भैया भैया हमें छोड़ रहे हैं बुआ के घर, और बहुत ही ज्यादा वाली गर्मी हो रही है यहाँ पे। मैं क्या बताऊँ, पूरे पसीने है ना भैया, गर्मी तो बहुत है। कितना टेम्परेचर हो रहा होगा भैया? 46 तो हो ही रहा होगा। वैसे दिन में 50 भी क्रॉस कर जाता है कभी कभी। बुरे हाल टीवी बंद कर दो, कोई देख तो रहा नहीं है। Hi guys, it is the next day at Bua's place and आज मेरी छुट्टी थी, we didn't have class today. And आज हमसे मिलने कौन आया है? All the way from Bangalore, we have. अभी नहीं बना रहे। Hello दीदी। दीदी ऑफिशियल वर्क से आई है वैसे तो डेली, बट कोइंसिडेंटली हम भी आई थे तो दीदी हमें मिल गए। एंड अभी हम कहाँ जा रहे हैं? शिप्रा मॉल। शिप्रा मॉल जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। छोटी बुआ भी आई हुई है, वो भी अभी आया है थोड़ी देर पहले, तो हम सब जा रहे हैं। शॉपिंग टाइम, शॉपिंग टाइम, लेट्स गो। चलो अभी भैया, भाई आप सब तो शूज पहन रहे हो, ग्रेट। इतना सब ये सज धज के चल रहा है, लाइक शी इज लुकिंग सो प्रिटी, और इनको देख के उनने भी ड्रेसअप कर लिया, वरना वो भी अभी तक ऐसे ही बने हुए थे। रोज रोज बुआ कह रही है मैं रोज रोज दिख जाती हूँ ब्लॉग में। इसका कोई घर बार नहीं है, कहीं कमेंट में ये जा गई है आपकी बहुत बुआ रहती का है क्या, यही बार डेरा डालने बैठी रहती है। आए दिन तो बुआ देखो हमसे मिलने, आज बुआ भी आई है। बुआ पिछली बार भी हमसे मिलने आई थी, बुआ इस बार भी हमसे मिलने आई है। नहीं पिछली बार बुआ इज बैक लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज यूजुअल। अब हम जा रहे हैं मॉल, लेट्स गो। Guys, you know, इतना सज धजा के, मतलब मैं तो नहीं, but they all, they were like
दे गॉट रेडी सो वेल. कैन यू इमेजिन ये तीन लोग इतना सज धज के यहाँ पे जार ढूंढ रहे हैं. एंड द स्टीका ऑन द वे अभी भैया एंड आई वेंट टू अ मंदिर. आई मीन अभी भैया यूजुअली गोज टू अ मंदिर ऑन सैटरडे, सो आई जस्ट टैग्ड अलोंग विद हिम बिकॉज व्हाई नॉट. आशीर्वाद तो जितना मिल जाए उतना कम है, कुछ अच्छा ही हो जाएगा. तो अभी हम होम सेंटर में हैं एंड ये लोग कुछ तो ढूंढ रहे हैं जार अलोन एंड वी आर जस्ट आई एम स्मेलिंग सम रियली नाइस कैंडल्स. आई मीन ये कैंडल्स इतनी अच्छी स्मेल कर रही है ना, मेरे पास पैसे होता तो मैं अभी ले लेती और मेरे पास नहीं है. ये बहुत महंगी कैंडल्स हैं. ऐसा ना बहुत मज़ा आता है. आई रियली इन्जॉइंग कमिंग टू होम सेंटर. यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग इतनी एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल चीज़ें देख के. आई मीन यू स्टार्टेड इमेजिनिंग दीज पीसेज एट योर होम. अरे यार ये मेरे रूम में कितना अच्छा लगा, ये मेरे वॉशरूम में कितना अच्छा लगा. लेना कुछ नहीं है बट इमेजिन करने में कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं. जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं हर कलर की कैंडल ले जाऊँ कितना अच्छा लगेगा. लेना मैंने नहीं है पर इमेजिन करने में क्या जा रहा है, स्मेल करने में क्या जा रहा है. कितने की है ये, 500 rupees की एक कैंडल. छोड़ो अगरबत्ती से भी अच्छी स्मेल आ जाती है. क्या हो गया, वो एस्थेटिक नहीं दिखती, स्मेल तो आती है. लाइटिंग अच्छी आ रही है बस, है ना गाइस. हमें यहाँ पे दिखाई ये काफी कूल चीज, मैं अभी बताती हूँ ये क्या है. क्या है ये शेफ मैजिक किचन रोबोट है जिसमें 200 से जो ज्यादा रेसिपी है वो इसके अंदर ऐड है. आपने क्या करना है, जस्ट रेसिपी सिलेक्ट करनी है एंड इंग्रेडिएंट्स साथ में रखना है. तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है. तो ये क्या करता है, चॉपिंग करेगा, स्ट्रायर करेगा, विस्किंग करेगा और प्रॉपरली आपको कुकिंग करके देगा. सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद हो जाता है, यू जस्ट हैव टू ऐड द इंग्रेडिएंट्स. वाह. एंड इसका प्राइस क्या है, ये वैसे आपको पड़ेगा वैसे 1,500 आरपीएम बेस्ट पर जिसको पड़ेगा 50,000 का पड़ेगा. ओके और कितनी देर में बना देता है ये विद इन. सबका टाइमर अलग अलग है, जैसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स विद इन, जैसे राइस वगैरह 10 मिनट्स के अंदर अपने आप ही आता है. मतलब कोई भी सब्जी, कोई भी राइस, बिरयानी, दाल मखनी, चिकन करी, मटन, जो भी आप लाइक करते हो जस्ट ऐड करना है एंड ऑटोमेटिकली बन जाएगा. ओके थैंक यू. वाओ यार ये सही चीज है. मेरे को तो आजकल की लड़कियों के लिए तो दी बेस्ट है, जिन्हें कुछ आता ही नहीं उनसे कोई ये गिफ्ट दे दो. वो ले लो यार 50,000 तो है ही. शादी में ले लूंगी पक्का. मुझे भतीजी की शादी में पहला गिफ्ट मेरी तरफ से यही होगा बिकॉज आजकल बच्चों को कुछ बनाना तो आता नहीं. ये तो काम की चीज है यार सही में. गाइस तो अब हम क्रॉकरी वगैरह हमने ले ली है. हम अब आ चुके हैं बुआ के लिए शूज देखने और भैया अब हमें भैया शूज दिखा रहे हैं क्योंकि बुआ ने इतनी क्यूटली पूछा ना भैया से, भैया मुझे शूज दिखा दीजिए, मैं थका हार कर अब आपसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता. तो भैया प्लीज इन्हें दिखा दीजिए, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता. समझने वाले वो है. अच्छा समझने वाले वो है, डायलॉग उन्हें बोला. अच्छा आप बेचारे पूरी मेहनत शिद्दत से देखो ये. So guys, our shopping for the day ends here. We got a bunch of stuff. बुआ shoes लिए, बुआ ने shoes लिए, दीदी ने crockery वगैरह ली घर के लिए. And now we are going to have food. आज बुआ is giving us a treat. कैसा लगा खाने? How was the food? इसमें अच्छी आती है ना येलो लाइट में.